नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, आज प्रश्न निर्माण की द्वितीय भाग में आप सभी का स्वागत है। आज का जो विषय है, हम जो करना चाह रहे हैं यहाँ पे, वह यह करना चाह रहे हैं कि प्रश्नवाचक अव्यय क्या है। प्रश्नवाचक अव्यय क्या है, क्योंकि किम शब्द रूप के अनुसार इसके प्रथम भाग में हम सभी को समझ चुके हैं। तो इस द्वितीय भाग में हम बात करें प्रश्नवाचक सप्त अव्यय की। सप्त अव्यय क्या है, किम, कुत्र, कति, कदा, कुतः, कथम, किमर्थ। इनको अंग्रेजी में व्हाट, वेयर, हाउ मच, व्हेन, फ्रॉम, वेयर, हाउ, वे भी कहते हैं। अव्ययों की सहायता से अनेक हिंदी के वाक्यों का प्रश्न निर्माण बनाया जा सकता है। यहां देखिए, व्हाट को हिंदी में क्या कहेंगे और संस्कृत में क्या कहेंगे। व्हाट को क्या कहेंगे, संस्कृत में इसका शब्द होगा किम। यानी इसमें कोई पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का विचार नहीं करना। जैसे लिखे हैं वैसे ही हम लोग लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पे वेयर को क्या कहते हैं, कहां, और संस्कृत में क्या था, कुत्र। हाउ मच को कहते हैं कितने, संस्कृत शब्द है कति। व्हेन को कहते हैं कब, और उसके लिए अव्यय संस्कृत में यूज होता है कदा। फ्रॉम वेयर के लिए होता है कहां से हिंदी में, और संस्कृत में कुतः यूज करते हैं। हाउ को कैसे, और संस्कृत में कथम अव्यय यूज करते हैं। वे को, वाय को क्यों, संस्कृत में किमर्थम प्रयोग करते हैं। आप यहां लाइट से देखिए, वेयर, हाउ मच, व्हेन, फ्रॉम वेयर, हाउ, वे, ऐसे कहेंगे। अब यहां पे आपको यदि किम शब्द रूप का प्रयोग सीखना है तो सबसे बेस्ट है आप यहां पे क्वेश्चन मार्क लगाइए और उसके बाद आप बोलना स्टार्ट कीजिए। एतत किमस्ति, एतत किमस्ति, भाई ये बात हो सकता है, उसका आंसर पुल्लिंग में भी हो सकता है, स्त्रीलिंग में भी हो सकता है, और नपुंसक लिंग में भी हो सकता है। परंतु आपको उत्तर देने वाला अपने आप सही लिंग में बता देगा। आपका प्रश्न पूछने का तरीका बिल्कुल भी गलत नहीं है। देखिए, जैसे कि हमने पुल्लिंग शब्द लिए, केश, कपोल, भ्रू, कंठ, ओष्ठ। केश होता है बाल, कपोल मतलब गाल, भ्रू मतलब आपके भौहे, कंठ मतलब गला, ओष्ठ मतलब हो। अब देखो, इसमें हमने ये सारे शब्द पुल्लिंग है, हमने पूछ लिया एतत किम अस्ति, एज लाइक केश को हाथ लगा के या आपने गले को हाथ लगा पूछा यह क्या है, उत्तर देने वाला बोलेगा एषः कंठ अस्ति। उसी प्रकार केश पे क्या हो जाएगा, एषः केशः अस्ति। अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आपका प्रश्न, आपने पूछा एतत किम अस्ति, इमेज कीजिए वो शब्द स्त्रीलिंग है, जैसे नासिका, नाक, कपाट का अलमारी होती है। अब आप मुझे एतत किम अस्ति तो बताने वाला बोलेगा आपको स्त्रीलिंग के साथ प्रयोग करके, एषा नासिका अस्ति, या एषा नासिका अस्ति या नासिका अस्ति, दोनों बोल सकता है, या नाक है या नाक है, दोनों प्रकार से प्रश्न के उत्तर सही हो सकते हैं। आगे आप नपुंसक लिंग में देखिए किम का प्रयोग। मान लीजिए शब्द नपुंसक लिंग है, एज लाइक मस्तकम, नेत्रम, मुखम। अब इसका आपको प्रश्न ऐसा बता सकता उत्तर, एतत मस्तकम अस्ति, एतत नेत्रम अस्ति, एतत मुखम अस्ति। जैसे पता है मस्तकम मतलब मस्तक, नेत्र मतलब आंखें, मुखम मतलब मुख। अब इनके कुछ हम लोग ना प्रयोग देखते हैं। जैसे पुत्र, हमारा पहला आ गया किम और पुत्र। पुत्र में आपको दो बात बता दूं, गम धातु के साथ जहां जाया जा रहा है वहां पे आप आराम से पुत्र का प्रयोग कर सकते हो। यानी द्वितीय विभक्ति में सिर्फ तब जब गम धातु का प्रयोग हो, अन्यथा सप्तमी विभक्ति में हमेशा पुत्र शब्द का प्रयोग आप कर सकते हो। जैसे यहां देखिए कुछ शब्दों के अर्थ बता रहा हूं और आपको प्रयोग बता। यहां है बालिका पुत्र अस्ति, प्रश्न है हिंदी होगा बालिका कहां जाती है, बालिका विद्यालय जाती है। इसी प्रकार आगे देखिए, श्रमिक पुत्र गच्छन्ति, यानी श्रमिक परिश्रमी लोग होते हैं, ये बहुवचन में, तो कहां जा रहे हैं श्रमिक, कहां जाते हैं श्रमिक, गृहम गच्छन्ति, श्रमिक घर जा रहे हैं, है ना। ता बालिका पुत्र पठन्ति, ता विशेषण है, सर्वनाम शब्द रूप है, बालिका संज्ञा शब्द रूप है। वे सभी बालिकाएं कहां पढ़ती हैं, ये लड़कियां कहां पढ़ती हैं, तो उत्तर होगा ता बालिका कक्षायां पठन्ति। अब यहां मैं जैसे कहा था पुत्र का प्रयोग आप लोग द्वितीया में कर सकते हो जब गम धातु हो, यानी द्वितीया में कब,
द्वितीया में आप तब प्रयोग कर सकते हो जब दम धातु हो, और नहीं तो आप सप्तमी विभक्ति में हमेशा ही प्रयोग कर सकते हो, जैसे आप देख रहे हो कक्षा याम। अब यहां देखिए आगे, बाल कौ पुत्र पठतः, दो बालक कहां पढ़ रहे हैं, लड़के कहां पढ़ते हैं, बाल कौ विद्यालय पठतः, माता पुत्र भोजनम पचते, माता कहां खाना पकाती है, माता रसोई में खाना पकाती है, बाल का पुत्र धावती, देखो अब सप्तमी आंसर है, लड़का कहां दौड़ता है, बाल कह धावन क्षेत्रे धावती, अश्वौ पुत्र गच्छतः, दो घोड़े कहां जाते हैं, अश्वौ हरि क्षेत्रम प्रति गच्छति, कति, कति का प्रयोग देखेंगे हम लोग, जैसे इसका अर्थ कितने, चित्र मान लीजिए कोई चित्र है उसमें बहुत बालक, तो पूछा जा रहा है चित्रे कति बालकः सन्ति, आपने उत्तर दिया मम विद्यालय चत्वारः बालकः सन्ति, तब विद्यालय कति बालकः सन्ति, यानी चित्रे कति बालकः सन्ति, कितने बालक हैं, ये प्रश्न बन सकता है, तो आपने बोला मम विद्यालय चत्वारः बालकः सन्ति, यानी मेरे विद्यालय में चार बालक हैं, तुम्हारे विद्यालय में कितने बालक हैं, तो उसने आंसर दिया तब विद्यालय नवति बालकः सन्ति, तुम्हारे विद्यालय में 90 बालक हैं, यानी मम और तब करके आप प्रश्न पूछ सकते हैं। राम कति भ्रातरः आसन, यानी राम कितने भाई थे, प्रश्न है रामः चत्वारः भ्रातरः आसन, यहाँ पे ये नहीं आएगा चत्वारः भ्रातरः आसन, चित्रे कति नार्यः सन्ति, चित्रे सप्त नार्यः सन्ति, चित्र में सात नारी हैं, चित्रे कति पुष्पाणि सन्ति, चित्र में यहां कहा जा रहा है चित्र में बहुनी पुष्पाणि सन्ति, यानी अनेकों, तो आप बहुनी का प्रयोग कर सकते हो, चित्रे कति अत्र कति पुस्तकानि सन्ति, अत्र त्रीणी पुस्तकानि सन्ति, क्रीडंगणे कति क्रीडकाः सन्ति, क्रीडांगणे मतलब खेल के मैदान में कितने खिलाड़ी हैं, क्रीडंगणे सप्त क्रीडकाः सन्ति, सात खिलाड़ी हैं, आकाशे कति सूर्यास्ति, मान लीजिए संख्या आपको पता एक, उसमें प्रश्न पूछा कि भाई आकाश में कितने सूर्य हैं, तो आप उसको एक वचन में आंसर दे सकते हैं आकाशे एकः सूर्यास्ति। कदा बाल कहा कदा शयनं करोति, इसका पहले समय में प्रयोग करते हैं, समय को अच्छे से जानने के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे बालक कब सोते शयन करते हैं, बाल का 10 बजे शयनम करोति, बालक 10 बजे सोता है, यहाँ पे बालक कह ये नहीं होगा, बालक कदा शयनम करोति, माता कदा भोजनम निर्माति, माता रात्रौ भोजनम निर्माति, माँ शाम में खाना बनाती, प्रायः इसका उत्तर सप्तमी विभक्ति में ही होता है, बाल कहा कदा विद्यालय गच्छन्ति, बाल कहा प्रातः विद्यालय गच्छति, या प्रातः काले विद्यालय गच्छन्ति, कृषक कदा क्षेत्रम गच्छति, कृषक प्रातः काले क्षेत्रम गच्छति, यानी इसके प्राय आंसर सप्तमी में होते हैं। अब कुतः, प्राय जो भी पंचमी विभक्ति में है उस पे ये प्रश्न बनता है, जैसे गच्छति इत्यादि में, गंगा कुतः निस्सरति, गंगा कहां से बहती है, गंगा हिमालय से बहती है, पिता कहां से धन लाते हैं, पिता कुतः धन आनयति, पिता धनागारातः, यानी बैंक से धनम आनयति, बैंक से पैसे लाते हैं, पिता कहां से वस्तुएं लाते हैं, पिता आपणात् वस्तूनि आनयति, यानी पिता दुकान से वस्तुएं लाते हैं, छात्रा कुतः आगच्छन्ति, छात्रा कहां से आ रही है, यहाँ पे विसर्ग भी लगा देंगे, छात्रा कहाँ से आ रही है, छात्रा विद्यालयात आगच्छन्ति, यानी अनेक छात्राएं विद्यालय से आ रही हैं। कथम, अब कथम का अर्थ कैसे, प्राय इसके प्रश्न के उत्तर तृतीय विभक्ति में होते हैं, से बाल कह कथम खादति, बाल कह चमसेन खादति,
वैज्ञानिकः अंतरिक्षम कथम गच्छन्ति, यहाँ उत्तर होगा वैज्ञानिकः, यहाँ पे भी आपका बहुवचन है वैज्ञानिकः अंतरिक्षम व्योमयानेन गच्छन्ति, यानी व्योमयान से जाते हैं। बालकः कथम लिखति, बालकः कलमेन लिखति, बालक कलम से लिखते हैं। नरः कथम गच्छति, नरः द्विचक्रिकया यानेन गच्छति, यानी या साइकिल से या यान से जा रहा है, या कहना जा रहा है कि भाई यहाँ भी ये पूछना जा रहा है कि नर कैसे जाता है। आप ऐसे कैसे, नर साइकिल से जाता है, द्विचक्रिका या यान से जाता है, जहाज से जाता है, यानी आप द्वितीय विभक्ति में ही आंसर होगा। द्विचक्रिका क्यों हुआ, क्योंकि शब्द स्त्रीलिंग का है। अब हम देखेंगे आगे किमर्थम, किमर्थम के लिए क्यों हम बोल सकते हैं या साम किस लिए, दोनों ही प्रयोग होते हैं, पर क्यों में सटीक प्रश्न बनता है। बालक किमर्थम क्रीडन्ति, बालक क्यों खेलते हैं भाई, तो उत्तर होगा बालक स्वास्थ्य संवर्धनाय क्रीडन्ति, यानी बालक स्वास्थ्य की बढ़ाने के लिए खेलते हैं। बालक किमर्थम पठन्ति, बालक किस लिए पढ़ते हैं, बालक ज्ञान प्राप्ति के लिए पढ़ते हैं। इसी प्रकार यज्ञ कहा किमर्थम यज्ञम कुर्वन्ति, जो यज्ञ करने वाले किस लिए यज्ञ करते हैं। यज्ञ कहा, यहाँ पे विसर्ग लगा दीजिएगा, राष्ट्र निर्माणाय यज्ञम कुर्वन्ति, राष्ट्र के निर्माण के लिए यज्ञ करते हैं। माता महानसम किमर्थम गच्छति, माता रसोई में किस लिए जाती है, माता रसोई में भोजन निर्माण के लिए जाती है। ठीक है, तो बेटा आज का यह विषय इतना ही था, और उम्मीद है आपको इन अभ्यायों का आपको अच्छे से प्रयोग आ जाएगा।